हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15, 30 और 60 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में इसे लघुतम समापवर्तक बोलते हैं। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लोगे आप लोग, और इसमें 15, 30 और 60 यानी कि जो भी आपको संख्या दी हुई है वो आप लिख लेंगे 60। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से फैक्टराइजेशन करते जाएंगे यानी कि इसको भाग देते जाएंगे। कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो ये 15 जाता है 2 से, नहीं जाता, इसमें भागा लगता है इसमें लगता है। तो ये 15 में नहीं लगता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कैसे रहने देंगे। और ये 15 दुनी 30 और ये कितना हो गया, 30 दुनी 60। ठीक है, फिर से वैसा ही करेंगे, ये 2 से 30 जाता है, तो हम लोग फिर से 2 से दे देंगे इसे, 15 नहीं जाता ऐसे कैसे, फिर 15 ये नहीं जाता ऐसे कैसे, और 15 दुनी 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चाहें तो एक ही बार में 15 से इसे कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे चलते रहेंगे प्राइम नंबर के हिसाब से। ये 2 से हुआ था, अब ये कितने से जा रहा है, क्योंकि 2 से अब इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो विभाजित हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से, 3 पंजे 15 और 3 5 15, ये कट गया। अब देखिए कितने से जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 5। ठीक है, अब रही बात एलसीएम किस तरह से इसका निकालें, तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, या लघुतम समापवर्तक आप लोग लिख लीजिए, 2 × 2 × 3 × 5। और ये एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक से किसी भी संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 2 3 5 2 2 3 5, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लाएंगे, 3 5 15 15 × 30 और 30 × 60, कितने आ गए, एलसीएम आपका आ गया 60। तो ये आपका आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग, ये 3 संख्याओं की थी, आप लोग चाहो तो 2 संख्या की भी निकाल सकते हो, जैसे 5 और ये 15। तो हम लोग इस तरह ले लेते हैं, कितने से जा रहा है ये देखिए, ये 3 से चला जाएगा क्योंकि 15 है इसमें, तो 5 ऐसे रहने देंगे और ये 3 5 15। ठीक है, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × 5, तो 3 × 5 तो कितना आ गया, 3 5 15। इसी तरह से कितनी भी संख्याएं दे रखी हों आप इसी तरह से एलसीएम निकालोगे। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एलसीएम का मतलब हुआ कि वो सबसे छोटी संख्या जो कि इन तीनों से विभाजित हो। देखिए 15 से भी ये विभाजित है, 30 से भी विभाजित है और 60 से भी विभाजित है। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं, 5 से भी विभाजित है और 15 से भी विभाजित है। ओके, थैंक यू वेरी मच।